उत्तर प्रदेश हमेशा चर्चाओं में बना रहता है, कभी राजनीति तो कभी बुलडोजर तो कभी एनकाउंटर। वो कहते हैं ना, जब इंसान का दिन खराब होता है तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। ऐसा ही एक मामला नोएडा का है, लेकिन यहाँ कोई ना ऊंट है ना कुत्ता, लेकिन ऊंट जैसी ऊंचाई पर बैठे दो लोग जरूर हैं। पहले कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, दूसरे गौतम बुद्ध नगर के डीएम मनीष वर्मा। मामला एक दिन पहले का है, जब गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के डीएम मनीष वर्मा के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस का आरोप है कि इस पोस्ट में डीएम ने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। हालांकि डीएम मनीष वर्मा ने कहा कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। इस मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच की जा रही है। दरअसल शुक्रवार को कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के एक पोस्ट पर गौतम बुद्ध नगर के डीएम मनीष वर्मा के आधिकारिक एक्स हैंडल से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसके बाद कांग्रेस में डीएम से लेकर केंद्र सरकार तक निशाना साधा। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के स्क्रीनशॉट को कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शेयर करके लिखा कि ये डीएम नोएडा के हैं, इनके ऊपर पूरे जिले की जिम्मेदारी है। देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी के बारे में इनकी भाषा और विचार जरूर देखे जाएं। इससे साफ है प्रशासनिक अमले में संघियों की भरमार है और अब वो संवैधानिक पद पर बैठकर नफरत को हवा दे रहे हैं। वहीं जयराम रमेश ने लिखा कि यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के डीएम के एक्स हैंडल से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पर बिल्कुल अनुचित और अस्वीकार्य टिप्पणी पोस्ट की गई है। ये कोई नया घटनाक्रम नहीं है। पिछले 10 सालों में भारत की नौकरशाही और अन्य गैर राजनीतिक अधिकारियों का राजनीतिकरण बढ़ता गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सिविल सेवा, जिसे सरदार पटेल ने कभी भारत का स्टील फ्रेम कहा था, उसको दबाने और निकम्मा मनाने का भरपूर कोशिश की जा रही है। इस तरह के मामले उसी प्रयास के ताज़ा उदाहरण हैं। इस अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसने बेशर्मी से सभी नियमों और मानदंडों का उल्लंघन किया है। हालांकि विवाद बढ़ते ही डीएम के ट्विटर हैंडल से की गई पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। वहीं डीएम की ओर से कहा गया है कि उनका अकाउंट हैक हो गया है। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है।